नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रियलमी C31 में हम आपको बताने वाला हूँ, मतलब पावर बटन से आपका कॉल कट जाएगा। जैसे आप पावर बटन दाबते हैं ना, उसके बाद अगर आपका कॉल लगा रहता है तो कॉल कट जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपके सामने प्रॉब्लम आता है तो आप उसको बंद कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही सेटिंग में बताने वाला हूँ रियलमी C31 में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और हम सेटिंग करके आपको दिखाने वाले हैं, मतलब कैसे करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मैं सेटिंग पर। आप देख रहे हैं मोबाइल के सेटिंग पर टच करें। टच करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और नीचे आएंगे स्क्रॉल करके। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग है, एडिशनल सेटिंग पर टच करें। एडिशनल सेटिंग पर जैसे टच करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी लिखा है, यहाँ पर टच करें। यहाँ पर जैसे टच करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस फिर आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर लिखा है पावर बटन टू एंड कॉल्स। तो दोस्तों, आपको ये वाला जो है सिस्टम, प्रेस पावर बटन एंड टू कॉल। तो दोस्तों, इस वाले बटन को आप अगर ऑन करके रखेंगे ना, तो आप जब भी कॉल लगाएंगे और उसके बाद जैसे आप स्क्रीन को ऑफ करना चाहेंगे ना, तो आपका कॉल कट जाएगा। तो दोस्तों, यही प्रॉब्लम आता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आप समझ लीजिए आपके फ़ायदे के लिए, मतलब आप कॉल लगा दिए, अगर आप स्क्रीन पे मतलब काटना नहीं चाहते हैं तो आप ये पावर बटन दाबेंगे ना, तो आपका कॉल कट जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कॉल करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस नंबर पर कॉल करते हैं, इस नंबर पे मैं कॉल करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसे मैं पावर बटन, अभी इसकी रिकॉर्डिंग है क्योंकि हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग बंद हो जा रहा है। जैसे आप कॉल आता है तो अगर पावर बटन दाबते हैं तो कॉल कट जाएगा, तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।